से द्वारा माइनर पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर और कुछ भी अगर चेंज करना चाहते हो तो कैसे करें, इसी के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है रजनीश, आप देख रहे हो लक्ष्य डिजिटल स्टूडियो। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें, इससे आने वाली वीडियो मिले सबसे पहले देखने को। तो करते स्टार्ट, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि स्किप करो तो आपके समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट करने के बाद कुछ ऐसा पॉपअप छप के आएगा, हमारा UPI द्वारा भी पैन कार्ड बनाते हैं इस तरीके का पॉपअप छप के आएगा। हमें इसमें करेक्शन वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ के बाद ये सिंपली से फर्स्ट नंबर पे इस पर क्लिक करना होगा, थोड़ा सा वेट लेगा और हमारे लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। और सिंपली से यहाँ क्लिक कर देंगे ओके पर, और जो भी आपका पैन कार्ड है पैन कार्ड यहाँ डाल देंगे। पैन कार्ड डालने के बाद और फिर दोबारा से रीपैन कार्ड नंबर मांगेगा, दोबारा से वही डाल देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब इसमें दो ऑप्शन छप के आ रहे हैं यहाँ, फिजिकल या आप बहुत से जिससे घर भेजना चाहते हो, या फिजिकल चाहते हो और बहुत से चाहते हो खाली। बहुत से लोग होते हैं जो फिजिकल चाहते हैं अगर एड्रेस पे भिजवाना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग इस पर क्लिक करें। जो फिजिकल चाहते हैं घर भिजवाना चाहते हैं और अपने मेल आईडी पर भी चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ सिंपली क्लिक कर लिया है और सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो भी आपका मेल फीमेल है उस हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये श्री कर दे रहा हूँ मैं यहाँ, और यहाँ पर जा के और जो भी नाम है वो यहाँ टाइप कर लेंगे। अगर टाइप अगर इसमें कुछ नई करेक्शन करना चाहते हैं, आप CSC द्वारा अप्लाई कर रहे हो तो इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है। जैसे मैं यहाँ टाइप नहीं करना चाह रहा हूँ, नाम में मैं कुछ भी करेक्शन नहीं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये लिखा है पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ना तो जो भी बंदे का नाम है वो यहाँ शो होने लगेगा, और दोबारा से यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये नाम यहाँ फिल होके आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें करेक्शन नाम में नहीं करना, तो मुझे टाइप करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है नाम की। जैसे यहाँ ओके कर देंगे, इसके बाद नीचे आ जाएंगे। इतना करने के बाद अब आपको फादर नेम में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, अगर अपने नाम में भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, अन्यथा नाम टाइप करके लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऐसे ही करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ CSC में ही है जो यहाँ ये दिया गया है, ये सिर्फ ऑप्शन CSC में ही दिया गया है, जिससे आप डायरेक्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है और करेक्शन नहीं करना चाहते हो नाम में। तो सिंपली से यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे मैं नाम में चेंज नहीं करना चाहता हूँ तो यहीं इसी पे दोबारा से क्लिक कर दूंगा, नाम ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। जैसे टाइप हो जाएगा तो हमें सिंपली से नीचे आ जाना, ये इतनी टाइम की बचत हमारी हो जाएगी कि मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे इसमें नामों में कुछ चेंजिंग नहीं करना है। और यहाँ जाके फादर से क्लिक कर देंगे और यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद एक बार डेट ऑफ बर्थ जरूर मैच कर लें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पैन कार्ड से मैच खा रही है या नहीं खा रही है, पैन कार्ड से दोनों से। और उसके बाद जो भी आपका स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, दिल्ली है, जो भी आपका है वो आप यहाँ स्टेट चूज़ कर लेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश मैंने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे क्लिक करेंगे तो इसमें री आधार के लिए बोलेगा, इसमें दोबारा से आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इतना डालने के बाद जो आपके पैन कार्ड में या आधार कार्ड में जो भी नाम है वही सेम इसमें फिल कर देंगे। यहाँ देख सकते हो ये जो भी आपका नाम है, एक बार चेक जरूर कर लें कहीं गलत तो नहीं आपने फिल कर दिया है, और एक बार ऊपर पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे कहीं हमने गलत तो नहीं फिल किया है, और आगे जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अगर आप मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता तो अदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि इसमें आधार कार्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली से यहाँ इस वाले ऑप्शन पे हमें नो डॉक्यूमेंट क्लिक कर देना, अगर डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, अगर है तो पैन कार्ड की कॉपी इस पर क्लिक कर देंगे। और सिंपली से जैसे मैं CSC में अप्लाई कर रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो डायरेक्ट ऑनलाइन UTI वेबसाइट उस पर भी जाके डायरेक्ट ऑनलाइन ऐसे कर सकते हो, लेकिन उसमें पेमेंट करने का मेथड अलग होगा। इसमें हमारी CSC द्वारा पेमेंट कटेगा और उसमें आपका जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा कटेगा, इसमें हमारा CSC द्वारा जो हमारी जो ID है इसी के द्वारा पेमेंट कट होगा। तो मैं यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसी हमारी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी उसी के बाद हमें रिडायरेक्ट हमारे UTI पेज पर लेके आ जाएगा वापस, और फिर आप आगे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आप में इसमें ऑफिशियल करवाना चाहते हो, ऑफिस द्वारा मंगवाना चाहते हो या रेफरेंस एड्रेस पर, तो इसमें सिंपली रेफरेंस एड्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस एड्रेस पर ही करेक्शन पैन कार्ड पहुँचते हैं। अगर ऑफिशियल डाल लोगे तो थोड़ा सा समस्या आएगी और टाइम लगेगा पैन कार्ड पहुँचने में, तो कोशिश यही करें अगर करेक्शन कर रहे हैं पैन कार्ड UTI द्वारा, ऑनलाइन हो या CSC द्वारा हो,
तो आप रेफरेंस ही एड्रेस डालें, कोशिश यही रखें कि रेफरेंस एड्रेस से पैन कार्ड जल्दी पहुंच जाता है। अगर आपने ऑफिशियल एड्रेस डाल दिया ऑफिस का तो पहुंचने में टाइम लग सकता है, तो कोशिश यही करें कि रेफरेंस एड्रेस ही डालें। अगर करेक्शन कर रहे हैं तो सिंपली से इसमें मैं एड्रेस फिल कर दूंगा, जो भी आपका एड्रेस है जल्दी से फिल कर देंगे। इसमें देखो पहले से पूछा गया, इसमें सिंपली से या कुछ भी आपका जो पास में पड़ता है वो एरिया प्लॉट नंबर है या कुछ भी डाल के इसमें आगे कर सकते हो। आगे वाले में सिंपली से पूछा गया है नेम, इसमें फिल करेंगे सिंपली से पोस्ट, जो आपका पोस्ट है जो पोस्ट इसमें डालेंगे वही पोस्ट इसमें भी डाला जाएगा। इसमें अलग अलग भर दोगे तो थोड़ा समस्या हो सकती है, समस्या भी नहीं हो जाएगी अगर इसमें आप सब स्टिक भी डाल रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरे हिसाब से पोस्ट ही इसमें भरें। और इसमें जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है आपका, वो इसमें फिल करेंगे। और इसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट हुआ रहता है, जो आपने शुरुआत में सिलेक्ट किया था वो यहाँ भी सिलेक्ट रहेगा। और यहाँ जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ फिल कर देंगे। मैं एड्रेस को जल्दी जल्दी फिल कर दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे इस जगह पर क्लिक कर देंगे और इंटर कर देंगे इंडिया। यहाँ क्लिक करने के बाद इंडिया और यहाँ मोबाइल नंबर, जो भी उसका मोबाइल नंबर है, और इस वाले में जीमेल आईडी फिल कर देंगे। इतना सारा कुछ फिल करने के बाद एड्रेस एक बार प्रॉपर देख लें कि आपने एड्रेस गलत तो नहीं भर रखा, खासकर अपना पिन कोड नंबर, पिन कोड और आपका पोस्ट, इसी द्वारा पैन कार्ड आपके एड्रेस पर पहुँचाया जाता है, जो आपका पिन कोड होता है। तो पिन कोड आप प्रॉपर देख लें एक बार और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और सिंपली से नीचे आ जाएंगे। यहाँ इस पे क्लिक करते ही जो भी नाम आपका है वो फिल होके आ जाएगा। और यहाँ कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगवाना चाहते हो, एक है दो है, तो मैं वन क्लिक कर दे रहा हूँ। और ये किस जगह का है प्लेस डाल दूँगा। इतने के बाद कुछ नहीं इसमें करना है, ये हेल्पिंग हैंड खुद लिख के आ जाएगा और कुछ भी फिल नहीं करना है। सबमिट नाउ पर क्लिक कर देंगे और जो भी डेट है यहाँ बिल्कुल ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। सबमिट नाउ पर क्लिक करने के बाद सिंपली से आपकी स्लिप जनरेट होके आ जाएगी। देख सकते हो हमारी ये स्लिप जनरेट होकर आ चुकी है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के तरीका नहीं जानते हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आगे एक वीडियो और बना दूंगा डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने आते हैं तो सिंपली जाके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नए अंदाज में।